Thank you.
हसत की टो स्वरूपवार जो तो स्वरूप
दुबारा फिर बेनती की जाती है हर संगत के चरणों में आओ पंडाल में आ के सजो। हुण वीर जी एक शब्द पढ़ देंगे, इन्हां तों बाद वीर अशोक जी मेरे पास आ जाने जल्दी तो जल्दी। हर संगत जी, महाराज के हुक्म मुताबक पांच शब्द पहला पढ़े जाते हैं तो इन्होंने आपां नूं रसना पवित्र करन दा मौका मिलता है। अगे भी पांच शब्द पढ़े चुके जा चुके हैं तो बहुत ही संगत ने रसना पवित्र नहीं की। आओ रल के साथ दो एक शब्द के नाल दास नूं अमृत बूंद मुख चुआओ, अमृत बूंद मुख चुआओ, तन कलेश सर्ब गवाओ, तन कलेश सर्ब गवाओ, तन कलेश सर्ब गवाओ, तन कलेश सर्ब गवाओ। संगत दी दीन दुनी विच कूड़ दी खेले, जिस वेले दीन दुनी कूड़ दी खेले होली, कलयुग अपना रंग रंगाई है। तुसी अगर कलयुग ने अपना रंग रंगा लिया इस वेले, सच प्रीति सके कोई ना कोली, कोली कोल ना कोई कमाई आ, धर्म दी चुके कोई ना डोली,
सच कहार कंध ना कोई टकाई आ। और इस वेले संसार विच माया ममता का रौला इन्ना पै गया है कि सब माया के पिछे दौड़ रहे हैं। नौ खंड पृथ्वी सत दीप, यानी सारी सृष्टि, नौ खंड पृथ्वी सत दीप, माया ममता पावे रौली, हाहाकार करे लोकाइया। जदों इहो जे हालात समाज विच हो जाते हैं, संसार दे विच, परमेश्वर जी कह रहे हैं उस वेले जरूर आवांगा उपर तौली, धर्म दा तनम विचों प्रगटाइया, पर ये मेरा खेल बड़ा होवेगा हौली 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 हौली, आहिस्ता 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 अपना हुक्म चलाइया। जिस वेले आत्मा विच अंधेरा हो जाता है, कलजुगंत, जिस वेले कलजुगंतम होई अंधेरी मस्सा, मस्या जड़ी हो जाती है आत्मा च, साचा चंद ना कोई चमकाइया, फिर अकाल पुरख की करता है कि जो अवतार पैगंबर गुरु, 23 अवतार, 3 पैगंबर, 10 गुरु अपनी भविष्यवाणियां करके गए सी कि वह संबल विच आएगा, वो जिहड़ी गल है वो उन्हां दी भविष्यवाणियां नूं अकाल पुरख पूरी करता है। जिस दियां अवतार पैगंबर गुरुआं पाइया दसा, वो पर्दा दियां चुकाई आ, मैं संबल खेड़े वसा, साढ़े 3 हथ बजे वधाई आ। संबल की है? संबल पूर्ण सतगुरु का 3.5 हथ का पवित्र शरीर है, जिन्हों के अकाल पुरख ने स्वयं बनाया है, स्वयं वो कारना की है। ये बारे वेद व्यास जी ने 18 पुराणा बहुत डिटेल में लिखा है। वेद व्यास लिखिया, संबल प्रगट होवे मालक हिंदवायण, ब्रह्मण गौड़ रूप थाइया। उन्होंने ब्रह्मण गौड़ भी किया है, कल्कि अवतार भी किया है। ब्रह्मण गौड़ का मतलब है जिदा कोई जात नहीं, पात नहीं, वर्ण नहीं, वर्ण नहीं, दीन नहीं, मजहब नहीं, कोई मां नहीं, बाप नहीं। जिस वेले गोविंद तारा और एक अंकार की तार आपस इकट्ठे होंगे, जो शब्द तार का खेल होंदा है, उस वेले उसनों ब्रह्मण गौड़ कहा गया है। ईसा ने तो वक्त भी दस दिता वो अकाल पुरख के आने का, ईसा उन्होंने पिता कहता है। ईसा जी, ईसा कहा 20वीं सदी, हूँ 21वीं सदी है, 20वीं ईसा कहा 20वीं सदी, मेरे पिता का सब ने करना वेट, इंतजार विच रहना खलक खुदाइया। वो साफ बाइबल च लिख के गया है। और दसम पातशाह ने भी 20वीं सदी बारे कह दिता, इशारा किया सी गोविंद ने, मेरे ढइए तो बाद सारिया ढेरिया देवेगा ढाई, टाटा अपने रचन रचाइया, लेकिन भगतों से बख्शिश करेगा, भगतो तुहाड़ी हो ना देवे जुदाई, विछोड़े विच विछड़ कदे ना जाइए, तुहानू वर भी दे दिता। और ये दस्या कि ये अकाल पुरख रांझे की हीर में दूजे व्याह के लैके गए सी, लेकिन तुहाड़ी आत्मा नू दूजा व्याह के नहीं लिजा सकता। ये कोई हीर जट्टी का रांझे नहीं माही, जिसनों व्याह के दूजे लै जा रोवे मारे ताई है। तुहाड़ी आत्मा तो परमात्मा ने व्याह लिया, तुसी विहार तुसी 26 पू नू सुना ही होना, गया समझ 11 नू। अगे दस्या है कि है तो निर्गुण निराकार अकाल पुरख, दर्शन किस तरह देवेगा भगतों नू, इहदे बारे लिखा है। नारद जी नू दसदे हन पुरख अकाल कि वह गोविंद तार विच ही दर्शन देंदा है संसार विच आके भगतों नू। पुरख अकाल कहे सुन नारद बीबा, वह बच्चू बच्चियां दियां सुनाई आ। दस्या है पुरख अकाल जी कहिंदे हन, वह मैं वेखण आया गोविंद तार शब्द अपने मुरीदा, मैं अपने मुरीदा नू गोविंद तार विच हो के तुहानू मिलण आया। अकाल पुरख 994 चौकड़ी युग बाद, ओ मैं वेखण आया गोविंद तार शब्द अपने मुरीदा, मुरशिद होके फेरा पाया, मैं सतगुरु होके फेरा पाया है। और जेड़ा सोहंग गीत 994 चौकड़ी युग संसार जपदा रहा, अवतार पैगंबर गुरु भी सोहंग का जाप करते रहे, अज वह सोहंग का रूप धारण करके, पहले सोहंग का रूप नहीं धारण किया उन्हें, अज वह सोहंग का रूप धारण करके थोड़े सामने साख्यात हो गया। इस करके हर बाणी हिदायत दी गई है, जन भगतो सोहंग वाल कर लो अपना दीदा। एक तो गाण वाला सोहंग है जिहड़ा आपां गाउंदे हां, एक देखण वाला भी सोहंग तुहाडे सामने आ गया पूर्ण सतगुरु के रूप में। जन भगतो सोहंग वाल कर लो अपना दीदा, दीदा दानिशता सतगुर पूरा अगे नज़र ही आई है, तुहाडे सामने सतगुर पूरा अगे नज़र आ रहा है। इहदा खेल कोई छुपिया नहीं रहना, इस जिसका खेल नहीं रहना पुशीदा, पुशीदा छुपिया नहीं रहना, परदा परदे विचों उठाइया। अगे सोहंग नूं वेखण वास्ते तुहानूं कह दिता, पूर्ण सतगुरु नूं तुहानूं वेखण वास्ते कह दिता हर बाणी विच, पूर्ण सतगुरु का रूप ही है सोहंग। अगे सावधान भी कर दिता हर संगत नूं, सच दसो, ये तुहानूं पुछिया है, सच दसो तुसी केड़ा सतगुरु वसाया चीत, चित्र किसदा नजरी आई आ, किसदे नाल तुहाडी प्रीत,
ते कौन पूर्ण तुहाडा माई आ, उत्थे लिखिया पूर्ण अंदर पूर्ण बाहर पूर्ण गुप्त पूर्ण जाहर जाहर जहूर पूर्ण नजरी आई आ। किते आकड़ विच ना आ जायो कि साडे दरां दा बनिया रहा पखार साथों मंग मंग के अपना चट लंघाई आ। यह तो यदि बख्शिश वाली तार जी अनमुली दात तुहानू दित्ती वरताई आ। इस करके किसते नाल तुहाडी प्रीत ते कौन पूर्ण तुहाडा माई आ किसे नू पता नहीं, सानू किसे नू पता नहीं हैगा, किसे नू पता नहीं तुहाडे किन्ने जन्म गए बीत विछोड़े विच विछड़ के अपना चट लंघाई आ। पता नहीं पुराने जमाने तुसी पुराने जन्मां च पता नहीं किन्ने तुसी मंदिर गए ते द्योरे फिरे मसीद ते लखां शिव दवालियां भी शीश नवाई आ, पहलां करदे रहे कम। पता नहीं किन्नी वेरा धर्मराज दे अगे भी पेश होए आ, यह नहीं हैगा धर्मराज दे अगे पेशी नहीं लगी पुराने जन्मां विच। पता नहीं किन्नी वेरा धर्मराय दे द्वारे तुहाडी निकली चीख बौड़ी बौड़ी कर सुनाई आ, फिर बख्शिश हो गई। पता नहीं कदों तुहाडे उत्ते वज गई लीक काटा मारता तुहाडे पापां ते, पता नहीं कदों तुहाडे उत्ते वज गई लीक लेखा दिता पूर कराई आ। पर सतारा हाड़ कहे मैं अज जरूर करांगा तुहाडी जरूर करांगा तस्दीक शहादत सबदी दियां भुगताई आ। ओ जरूर तुहाडी खोलण आया नींद सुत्यो लो अंगड़ाई आ, ज्योति जो स्वरूप आप अपनी कृपा कर सद अपना खेल खिलाई आ। अगे सिक्ख्या भी दे दित्ती है जगत वासना करके कोई ना बण्यो कां, हंस गुरमुख नजरी आई आ। हिदायत है भगतां नूं वेख्यो प्रभु दे प्यार दा भुल्यो कदी ना राहो। किनू रहबर बनाना, रहबर सतगुरु शब्द लैणा बनाई आ। तुरदे राम नूं मिलना नाल चाओ, लोहां पूरियां ब्रह्मंडां खंडां दा पंध मुकाई आ। बेशक ओ मालक अगम थाओ बेअंत इक अखवाई आ। पर भगतां नूं जरूर मिलदा जिहड़ा चले ओहदे पाओ, भगती भी शक्ति अपनी दे टिकाई आ। ओह कौन है जिहड़ा एड्डी मेहर कर रहा है, पूर्ण सतगुरु, पूर्ण सतगुर ते पूर्ण बन जाए शाहो, शहन शाह पूर्ण रूप बदलाई आ। और जिसनू सारियां कहना वाहो वाहो वाह वाह तेरी वडवड़ियाई आ। नारद जी भगतां नू समय दे विचारन बारे भी कहिंदे हन, समा तो वह भी चंगा हुंदा है जिस वेले अकाल पुरख शब्दी तार विच अवतार पैगंबर गुरु बन के आउंदा है, उस वेले अपने नाम कलमे भी उचार दिंदा है। लेकिन सब तो वधिया समा केड़ा हुंदा है, जिस वेले भगत ते भगवान आमने सामने हुंदे ने, भगत भगवान की कुड़माई हुंदी है। नारद जी कहिंदे हन, नारद कहे भगतो समय दी करो विचार, जुग जुग समय विच वड़ियाई है। समय विच वड़ियाई जरूर हुंदी है उहना समय विच, समय विच आए पैगंबर गुर अवतार, समय ने सब नू समझ देता पुआई आ। समय दे मालक ने अपने नाम कलमे दिते उचार, ढोले जेवा शब्द नाल जनाई अपने नाम कलमे, समय समय अनुसार कदी ओम तसद के जय सीताराम, कदी राधे कृष्ण, कदे अल्लाह अकबर के सतनाम वाहेगुरु, अपने नाम कलमे उचारदा रहा। समय दे मालक ने अपने नाम कलमे दिते उचार, ढोले जेवा शब्द नाल जनाई आ। लेकिन वो समा जिहड़ा सी 1944 तो लैके 1976 तक दा, वो समा सब तो चंगा समा सी जिस वेले भगत भगवान की कुड़माई हो रही सी। उस समय तो जाओ बलिहार, जिस समय विच भगत भगवान होए कुड़माई आ, जिस वेले भगत भगवान आमने सामने सी, भगत भगवान की कुड़माई हो रही सी, उस वो समा सब तो चंगा हुंदा है 994 चौपड़ी युग विच। उस समय तो जाओ बलिहार, जिस समय विच भगत भगवान होए कुड़माई आ, अज उस समा सतारा हाड़ जिस समय नू हाड़े कड़न, विष्ण ब्रह्मा देवसुर सारे थाओं थाइया। तुसी सच पूछो तुहाडा आत्मा रूप करतार ते करता पूर्क तुहाडा रूप समाई आ, तुसी कदी उसकी जोत तो नहीं बाहर, जो ज्योति जाता एक अखवाई आ। और प्रण भी करवा दिता, प्रण तो बहुत बार करवाया है, हर संगत मैं 5-7 बार पढ़ लिया प्रण करवाया। उस प्रण नू मन्नीए तां सही, प्रण कर लो साडा शब्द है इको एक पतार, नारी रूप सर्ब अखवाइया, सब नारियां ने अकाल पुरख दियाँ, ते एक नू ही मनना, इको दा टोला गाउणा जो मालक तुरदर गाइया, इको दा डंक वजाणा जो दो जहान करे सनवाइया, इको दा दर्शन पाणा जो ज्योति जाता नूर लाइया, इको मालक वेख विखाउणा जो मेहर नज़र नाल तरा, एक नू ही मनना है। और हुण भावें तुसीं उहनूं जो कुछ कहो उह तुहाडी मर्जी है, ये कौन बख्शिश कर रहा है, ये पूर्ण कोई भांडा घड़िया नहीं कमियार। संबल नगरी इसे दा नां गोविंद गया गाइया, संबल नगरी गोविंद पातशाह भी संबल नगरी कह के गए हैं, महाराज पूर्ण सतगुरु के इस शरीर नू संबल नगरी कहा गया है। संबल की है, सस्सा बब्बा लल्ला, सस्सा सतगुरु है, सो पुरख निरंजन है, बब्बा बलतारी है, उस तो बलवान कोई नहीं है। लल्ला इन्ना होंदे हुए भी वह लल्ला हैगा, लिखन पढ़न तो बाहर है, उन्होंने कोई समझा नहीं जा सकता, उन्होंने संबल कहा गया है।
ਇਹ ਪੂਰਨ ਕੋਈ ਪਾਂਡਾ ਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਮਿਆਰ ਸੰਭਲ ਨਗਰੀ ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਗਿਆ ਗਾਈਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਾ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਲੱਭਣੀ ਸ਼ਾਰ ਲੱਭਿਆ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਜਨਾ ਸਾ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੇਠੂਵਾਲ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇਠੂਵਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨੇ ਭੱਜੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਦਿਓ ਔਰ ਸਤਾਰਾਂ ਹਾੜ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਤਾਰਾਂ ਹਾੜ ਕਹੇ ਸਤਰੰਗਿਆ ਹਰ ਜਨ ਹਾੜ ਸਤਾਰਾਂ ਮਨਾਉਣਗੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਤਾਰਾਂ ਹਾੜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਤਾਰਾਂ ਹਾੜ ਕਹੇ ਸਤਰੰਗਿਆ ਹਰ ਜਨ ਹਾੜ ਸਤਾਰਾਂ ਮਨਾਉਣਗੇ ਦਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੁਹਾਉਣਗੇ ਨਾਮ ਜਕਾਰਾ ਇੱਕੋ ਗਾਉਣਗੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸੱਚ ਦਾ ਦਰਸ ਗੰਮੀ ਪਾਉਣਗੇ ਸੱਚ ਦਾ ਦਰਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਦਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ਹਿਨ ਸਹੀ ਸੰਮਤ 11 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 17 ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ 17 ਸੀਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੱਟਾ ਤੇਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਏ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ 'ਤੇ ਕਰੋ ਅਕੀਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ 'ਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਅਕੀਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਕਿਹਦਾ ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਸ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਟੋਲੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਗੀਤ ਕਲਮੇ ਨਾਮ ਸਿਫਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲਾਈ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਕਲਮੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਠੰਡਾ ਸੀ ਅਗਨੀ ਤੱਤ ਨਾ ਕੋਈ ਤਪਾਈ ਆ ਔਰ ਪੂਰਨ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਯੁਗ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹਿਣ ਸਹੀ ਸੰਮਤ 11 ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 17 ਹਾੜ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਸਤਯੁਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸਤਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਵੀ ਸਤਯੁਗ ਵੀ ਸੰਗਮ ਯੁਗ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਲੀਟ ਤੌਰ 'ਤੇ 17 ਹਾੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 17 ਹਾੜ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਤਯੁਗ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਰ ਹੋਏਗਾ ਯੁੱਧਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿਵਸ ਸੁਹੰਜਣਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ ਆ 17 ਹਾੜ ਦਾ ਹੀ ਦਿਵਸ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਹਾੜ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਸਤਯੁਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਈਆ ਸਤਯੁਗ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਦੀ ਬਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ੁੱਧਰ ਵੈਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੂਜਾ ਇਸ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨਾਈਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕੋ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਹੋਣਾ ਨਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕੋ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਇਸ਼ਟ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕੋ ਮੰਦਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕੋ ਹੋਵੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰ ਵੰਡ ਨਾ ਕੋਈ ਵੰਡਾਈ ਆ ਇੱਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਵੇ ਕਰ ਬਾਰਾ ਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਖੁਲਾਈ ਆ ਇੱਕੋ ਪਾਵਨ ਹਾਰਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਮਹਾਸਾਰਥੀ ਇੱਕ ਖੁਵਾਈ ਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ 17 ਹਾੜ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੋਣਾ ਧਰਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੇਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਤਯੁਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੋਣਾ ਧਰਮ ਦੂਜੀ ਵੰਡ ਨਾ ਕੋਈ ਵੰਡਾਈ ਆ ਸਦੀ 14ਵੀਂ ਦਾ ਅੰਤ ਅਖੀਰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਨਮ ਤਰਨੀ ਨੇ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਈ ਚਾਹੀਆਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਰਹੇ ਨਾ ਵਰਨ ਵਰਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਕੋਈ ਵੰਡਾਈ ਆ ਔਰ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੱਲੂ ਫੜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੱਲੂ ਫੜ ਲਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੱਲੂ ਫੜਨ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੀ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਈਆ ਤੂੰ ਹੀ ਹਾਰ ਪੰਨਣ ਕੜਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈ ਆ ਔਰ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਨ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਖਵਾਈ ਆ 17 ਹਾੜ ਕਹਿੰਦਾ 17 ਹਾੜ ਕਹੇ ਜਨ ਭਗਤੋ ਅੰਦਰੋਂ ਉਠਾਓ ਸੁਰਤੀ ਜਗ ਦਲਿੱਦਰ ਰਹੇ ਨਾ ਰਾਈਆ ਦਰਸ਼ ਕਰੋ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤੀ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਵੈਰ ਵੇਖ ਵਕਾਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰ ਹੋਵੇ ਤੁਰਦੀ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਬਣਾਈ ਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਓ 17 ਹਾੜ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਮਤ 11 ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕੋ ਓਟ ਰੱਖਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਤਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਪੁਰ ਆਨੰਦ ਗਿਆ ਸਮਝਾਈ ਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਠੱਗ ਚੋਰ ਦੀ ਚੋਰ ਜਾਂ ਲੁੱਟ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਈ ਆ ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਖੇਲ ਹੋਣੀ ਹੋਰ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਾਈ ਆ
अगे लिख दिता अंत विच कि हुण किसे तलाब जोड़ा नूं लोग मत्थे टेकदे हन नहांदे हन जाके, लेकिन कोई वडियाई रहनी नहीं किसे तलाब जोड़ दी। और वडियाई किहदी होनी है? सतगुरु शब्द शब्द सरनाई आ। हुण सतगुरु शब्द की है? पुरख काल मनो, तीनों लाइन च गल क्लीयर करती है सतगुरु शब्द की। पुरख काल मनो जो आदि अंत रहे हमेशा, जिसनों जन्मे कोई ना माइया, और रहिंदा कित्थे? जिसका सचखंड साचा देशा, दरगाह साची शोभा पाई आ, वह कृपाल। अगे सतगुरु शब्द बताया है, वह कृपाल होके दयाल होके शब्द गुरु का जुग जुग करे वेसा। अकाल पुरख स्वयं कुछ नहीं करता, वह सतगुरु शब्द द्वारा ही खेल करता है। वह कृपाल होके दयाल होके शब्द गुरु का जुग जुग करे वेसा, अवतार पैगंबर गुरु अपना रूप बनाई आ। और सतगुरु गोबिंद ने भी क्लीयर कर दिता, सतगुरु गोबिंद कहा वो मैं सतगुरु शब्द गुरु सिखो, मैं ही सतगुरु शब्द हाँ। थोड़े पिछे सुता माछीवाड़े दियाँ बिच झाड़ियाँ, मात पीत पूस पुता थोड़ी पेट चढ़ाइया। और अगे दस्या क्यों कलजुगंतम हिम्मता हारियाँ, बैठे हर पुलाइया, बिना सतगुरु शब्द तो सबनू होनिया खुआरियाँ। खालस खालस खालसा खालस रंग ना कोई रंगाइया, बिना सतगुरु तो देवे ना कोई खुमारिया, गमखार नज़र कोई ना आइया। इस करे गुरमुखो शरण भी सतगुरु शब्द दी जाना है, वडियाई सतगुरु शब्द दी है। वेख्यो प्रभु दे प्यार दा भुल्यो कदी ना राहो, रह बर सतगुरु शब्द लेना बनाई आ। कोई पढ़न च गलती हो गई तो मैं महाराज तो माफ़ी मंगता हाँ। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। हर संगत जीओ, आप जी ने वीर शोक जी पासों थोड़े शब्दों विच बहुत सुंदर अकाल पुरख का मात लुके चौना संभल विच आना, एक दी खेड, सतगुर शब्द का, अकाल पुरख का और आत्मा का समेल। सब दे सिर ते कूके काल, काल नगारा रहा वजाई आ, कलयुग जीव सुरत लो संभाल, संभल आया बेपरवाही। सतगुर शब्द की करो भाल, शब्द गुरु को जो थाओ थाई। इस टारगेट में लैके वीर जी चले, बहुत सुंदर विचार लैके चले ने। हुण मैं बेनती करांगा भैण रजिंदर कौर जी 20-22 मिनट वास्ते स्टेज पर आउणगे, टाइम का ख्याल रखना जी, ये बेनती है। पार्किंग वाले वालों बेनती आई है कि जे किसी बीबी ने किसी गड्डी विचों कार विचों कोई समान लियाना है तो 8 तो बाद विच कार पार्किंग विच लेडीज़ की एंट्री बंद है। भैन रजिंदर कौर जी सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय।
शहनशाह जी के चरणों च और तुहानू सारयां नू सतारा हार की बहुत बहुत वधाई होवे। अज साढ़े सारयां दा जन्म दिवस दिहाड़ा आ और शहनशाह जी ने यह दिन 212 बिक्रमी नू पहली बार मनाया। 9 महीने 18 दिन हर संगत को 125 रुपया जो प्रसाद वांगू लैके उन्हां को जमा करवाया और जिस दिन 9 महीने 18 दिन होए उस दिन पहली बार ये पहला जो है 17 हाड़ मनाया गया। और 17 हाड़ का वेरवा आता है कि जो पुरातन ग्रंथ शास्त्र अपने हैं जेड़े पुरातन ग्रंथ शास्त्र भी आ वो भी इसका भेव नहीं पा सकते। ये 17 हाड़ की लिखते आ शहनशाही समत 5। ये दिवस 17 हाड़ का पुरातन ग्रंथ शास्त्र भेव कोई ना पाई आ। ये ग्रंथ भी इस बारे जो 17 हाड़ आ इस बारे कुछ नहीं दस सकते। एक खुशियां वाली रातन और प्रभु ने इस रात नू एक खुशियां दी तौर ते इस नू माण बख्शिया। विष्णु ब्रह्मा शिव रिया महकाइया 17 हाड़ कहे मैं एक सत दी तार। ये जो प्रभु ने एक और सत दा मेल किया हर संगत दे जन्म दिवस दिहाड़े वजो इस नू जो माण बख्शिया उन्होंने कहा कि इस रात नू एक खुशियां दा मान बख्श दिता। सतगुर दित्ती मान वड़ियाईया मैं खुशियां विच करां इजहार भेव चुकावां चाई चाइयां किरपा करनी आप करतार कुदरत दे कादर देनी वड़ियाईया। और फिर कहा मेरा मेला होवे हर भगतां नाल हर भगत द्वार दूजा संग ना कोई निभाइया। और ये 17 हाड़ की खास आ कि हर भगत द्वारे साहब वो भी बेनती कर रहा कि मेरा मेल किहदे नाल होवे मेरा मेल भगतां दे नाल होवे कि जिवें कि तुसीं इस दिवस नू सारे मिलके इस नू सुहा रहे हो। ये 17 हाड़ की बेनती आ कि प्रभु मेरी तेरे अगे अरदास आ कि ये दिवस जिहड़ा आ तू इहनू खुशियां दा मान बख्शिया मैं तेरे भगतां नाल मिलके खुशी मनावा। हर भगतां नाल हर भगत द्वार दूजा संग ना कोई नभाइया ज्योति जो सरूप हर आप अपनी ज्योति जो सरूप हर देवन हारा साचा वार सच दा भेव आप चुकाइया। जन भगतो तुहानू वड़ियाइयां दित्तियां तोलियां विच्चों रतियां रतन अमोलक हीरे दियां बनाइया। पर याद रखियो अंत सब ने रहनियां खाली हथियां हथेलियां मार के दिता दरड़ाइया। तुसी तारा बदल के रहना इकट्ठियां जुग जुग मेरी बेपरवाइया। ओ पता नहीं किन्नी वार सृष्टियां बनिया ते किन्नी वार टठियां टाटा ढेर खाक मिलाइया। फिर 17 हाड़ कह रहा 17 हाड़ कहे मैनू आवे होका होका दिया लगाइया। जन भगतो ओ तुहानू मुफ्त विच मिल गया मौका जिसनू गुरे अवतार पैगंबर ध्यान लगाइया। जिस दी रख दे गए ओटा ओड़क ओहो गया आइया। ओ गुरमुखो गुरसिखो सिख बन के होयो कोई ना होशा सिदक सबूरी तुहाडे अंदर देनी टिकाइया। फिर आउंदा भावें मेरे बच्चियां ते पा दियो बोझा मुश्किल तुहाडी हल वखाइया। मैं कदे नहीं करना धोखा धोखे वालियां नू धोख दे धुएं विचों बाहर कढ़ाइया। ए जगत वाला नहीं कोठा भगत द्वारा शोभा पाइया जिस दे राह तक दे 14 लोकां 14 तपक आख उठाइया। और परमेश्वर ने इस हर भगत द्वार नू माण बख्शिया आ
कि जिस दे राह तक दे 14 लोकां 14 तबक आख उठाइया जिथे तुसी अज 17 हार दा दिवस जो सुहारे हो जिस नूं प्रभु ने मान बख्शिया और इस दे विच इस बाणी दे विच यही दस्या कि अज तुहानूं मुफ्त विच मिल गया मौका। जे यही मौका कोई कीमत चुका के देना हुंदा ते फिर कुदरत दा एक असूल आ। इंसान जेड़ी चीज़ बड़ी महंगी खरीद के लैके आउंदा उसनू बहुत संभाल के रखदा, जो उन्हूं चाहे कीमती हीरा भी मुफ्त विच मिल जाए उसकी वह परवाह ही नहीं करता, क्योंकि इंसानी फितरत आ। और यही गल प्रभु ने इत्थे सानू हदायत कीती आ 17 हाड़ दे बयान दे थ्रू, कि 17 हाड़ कह रहा कि जन भगतो तुहानू मुफ्त विच मिल गया मौका जिसनों गुरु अवतार पैगंबर ध्यान लगाइया। और ये जो मौका तुहानू मुफ्त विच मिल गया वेखियो कि इसनों एवें ना ही जान दियो, ये तुहाड़ी जिहड़ी रात आ इसनों खुशियां दी रात दा परमेश्वर ने मान नवाजिया। ये जो एक सत दी तार आ इसनों परमेश्वर ने एक और सत जिहड़ी आ इसनों साढ़े जन्म दिवस दिहाड़े वालों भी मनाया गया। 9 महीने 18 दिन हर सिख दे पूरी करके उन्हें भगत की मोहर लाई आ, क्योंकि उन्होंने कहा ही जो सिख आ 10वें का पक्ष पा के मात लोक दे विच आउंदा। और ये क्योंकि असी बाणी नू अज शॉर्ट रखदे हां, साढ़े 5 तत् जिहड़े आ उह भी परमेश्वर ने लेखे लाए आ, क्योंकि अज तक दुनिया ते कोई भी महापुरश या विद्वान या वड प्रतापी कोई इस तरह का नहीं होया जिसने 5 तत् लेखे लाया आत्मा दे नाल नाल। और वो इस प्रभु ने लाए आ, उन्होंने कहा मैं आत्मा दे तहाड़ी लेखे लाई लाई मैं 5 तत् भी लेखे ला ले। और यही जड़े पुराने साध ऋषि सीगे वो यही यही लभदे दुनिया तो मात लोग ते रुलदे गए आ कि सानू इस तरह का कोई विद्वानी चाहिदा कि जेड़ा, क्योंकि असी जो कर्म करते हैं इस 5 तत्ता ना करते हैं, जे असी दान करते हैं पुन करते हैं जो भी करते हैं इन्हां हत्थां ना करते हैं, जे असी चंगे कर्म करते हैं इस 5 तत् दे थ्रू करते हैं, जे साड़ी आत्मा ने सचखंड जाना इन्हां 5 तत्ता ने क्यों नहीं सचखंड जाना। परमेश्वर ने यह फल सानू बख्शिया और मोहर लाई ग्रंथां दे विच। और ये दिन जे साढ़े जो है 9 महीने 18 दिन पूरे करके साढ़े 5 तत् प्रभु ने लेखे लाए, उन्होंने कहा ताड़ी आत्मा दे नाल ताड़े 5 तत् भी लेखे लगे। यही इस चीज़ का सबूत है कि जो 9-4 बाद परमेश्वर ने मोहर लाई कि जो मैं आवांगा इस तरह तुम यो रूप यही शक्ल इस तरह ही तुम दोबारा होवोगे और मैं तुहानू नाल लेके आवांगा। सारा हाड़ कहे सतगुर शब्द कुछ होर दे दे वस्त देवन हार तेरी बेपरवाही आ, पल पर कौल करार पर कौल कर लै जिस वेले आवे उत्ते फर्श फैसला अर्शा वाला मुकाइया। और बेनती कर रहा 17 हाड़ साढ़े वांगू भी वह भी प्रभु दे अगे बेनती कर रहा, ओ मेरे उत्ते जरूर करी तरस रहमत देनी कमाइया, मैं तेरा सनमुख करा दर्स दीदा दनिस्ता इको नजरी आई आ। और सारा हाड़ दी जिवें कि असी ते बहुत सारिया बेनतियां करते हैं शहनशाह दी चरणा च, सानू आ भी चाहिदा सानू इस तरह होना चाहिदा, तरस करो दया करो रहमत करो, उस दी सिर्फ एक ही बेनती आ शहनशाह जी दे चरणा च कि मैनू कुछ नहीं चाहिदा, मैनू प्रभु तेरा सनमुख दर्स चाहिदा, एक तेरा दीदार चाहिदा कि मैं तेनू सनमुख मतलब आमने सामने बिल्कुल इस तरह सीधा स्पष्ट जिवें कि तुसी परमात्मा नू देखिया इस तरह सीधा मैं परमात्मा दा सनमुख दर्शन करा। इस तरह हड़ बेनती कर रहा, मैं तेरा सनमुख करा दर्श दीदा दनिस्ता इको नजरी आई आ, भावें 994 चौकड़ी युग लंघ जाण पर मेरी जरूर करी हरस। ओदा हौसला वेखो, ओदी पेशेंस वेखो, ओदी जिन्हों कहिंदे इंतजार करन दी ओदा टाइम पीरियड ओदा ओ देखो,
वह कहिंदा प्रभु मेरी तेरे अगे इको बेनती आ कि चाहे 994 चौंकड़ी युग लग जाण, तू मेरे ते 994 चौंकड़ी युग बाद तरस करे, मैं वेट कर लूँगा, पर मेरे ते जरूर तरस करी कि प्रभु इन्नी कृपा कर दी कि 994 चौंकड़ी युग बाद ही मैनू दर्स दे दी। और जेदी पुकार वह 17 हाड़ कर रहा कि मैनू 994 चौकड़ी दे युग बाद ही प्रभु मेरे ते मेहरबान हो जी, मेरे ते तरस करी, मैनू अपना सनमुख दर्स दे दी। ए दौलत तुसी पाई असी पाई, ए दौलत आपा प्राप्त की आ, क्यों उस प्रभु का सनमुख साख्यात दर्स किया, और जेदे करके वह दर्स करके ताडे पांच भौतिक शरीर दे विच किन्ने गुण पैदा होए आ ओ सानू आप भी नहीं पता, क्योंकि वह बाणी दे विच आउंदे आ, वह जदों असीं बाणी दे विच खोज करांगे तो वह सानू पता लगदे कि किन्ने उन्ने साडे ते रहमतां कीतियां। मैं तेरा सनमुख करां दर्स दीदा दनिस्ता इको नजरी आई आ, भावें 994 चौकड़ी युग लंघ जाण पर मेरी जरूर करी हर्ष हवस देनी गवाई आ, चट सतगुर शब्द ने बिना कागज कलम तो लिख दिती शर्त, बिना शरां तो समझाइया, मैं निर्गुण तार होके सरगुण होके फिर आवां परत पत परमेश्वर होके अपना पेव खुलाइया। और फिर आंदा 17 हाड़ कहे सतगुर शब्द कुछ मेरी झोली पा दे दान, फिर बेनतियां कर रही प्रभु मेरी झोली च भी कुछ दान पा दे। दात्या तेरी एक सरनाइया, सतगुर शब्द ने कह लिया कहा सुन ले बिना कान बिना सरवणा दिया सुनाइया, मेरे मालक श्री भगवान एक अखवाइया, बेशक मेरा रूप बेह पहचान जग नेत्र नज़र किसे ना आइया, जिस वेले मैं धरती उत्ते होया प्रधान मेहरबान होके अपना खेल खिलाइया, निर्गुण तो सरगुण होवा तत्ता वाला जवान, उस वेले मैं निर्गुण तो सरगुण होके एक तत्ता वाला जवान होके मैं की करांगा। इस चीज़ वाल ध्यान देने की लोड़ है, परमेश्वर ने कहा मैं की करांगा, मैं निर्गुण तो सरगुण होके तत्ता वाला जवान होऊंगा, और की करूंगा, जोबन जोत तार हंडाइया, जोत तार दा मैं जोबन जड़ा वह हंडाऊंगा। सत रंग कहन सुनो एक अरदास बेनती दिया जड़ाइया, सत रंग भी हुण एक अरदास कर रहे और बड़ी खास गल कर रहे। सत रंग कहन सुनो एक अरदास बेनती दिया जनाइया, 17 हाड़ दिवस दिहाड़ा खास, वो कह रहा कोई ये आम जा दिन नहीं आ, ये बहुत खास दिन आ, 17 हाड़ दिहाड़ा खास खालिस रंग रंगाइया, जे प्रभु दे होना दास दासी होके सेव कमाइया। और की समझा रहा कि जे प्रभु दे दास होना ते दासी बनना, इस प्रभु दे तुसी दास और दासी बनना, तानू की करना पऊगा, तानू एक रूल फॉलो करना पऊगा, एक गल मननी पऊगी, एक जिवें कहिंदे आप ही आ चीज करोगे तो इस तरह होगा, वो करना पऊगा। सत रंग कह रहे अंदरों करो विश्वास, तुहानू इस प्रभु दे दासन दास होने लई अंदरों विश्वास करना पऊगा, इस ते विशियां दिओ पजाइया, जिन्ने विशे तुहाडे मन दे विच जिन्ने भी वलवले आ, जिन्ने भी सवाल जवाब आ, जिन्ने भी तुहाडे मन दे विच जिहड़े विचार आ तुहाडे वलवले आ, उहनां नू तजाउणा पऊगा, उहनां नू छड्डणा पऊगा, और अंदरों इस प्रभु ते विश्वास करना पऊगा। रस्ता देवे तुर दरगाइया, और जदों तुसी इस तरह करोगे, इस प्रभु ते विश्वास करोगे, मानस जन्म होवे रास,
तुहाडा जिहड़ा मानस जन्म आ उह रास हो जाऊगा। रस्ता देवे धुर दरगाइया, और फिर की प्रभु करूगा, पूरी कर दे काट, काटा रे नराइया, ओ सुते पौ जाग, नेत्र आँख खुलाइया, सतगुर द्वारे सच्चा एक समाज, झूठ झूठ कम किसे ना आया। ओ किन्नी कि देर सुते रहना जो हुण ते जागो, उन्हें कहा जे तुसी अपना जड़ा मानस जन्म लिया वो तुसी रास करना आ, रस्ता तुहानू इस तुर दरगाई ने देना, अंदरों विश्वास कर लो, सारे विषयां नू भुला दो, जो तुहाडे अंदर सवाल जवाब है सब नू त्याग दो, मानस जन्म तुहाडा रास हो जाऊगा। रस्ता देवे तुर दरगाई आ, तुहानू ये प्रभु राह दिखाऊगा, पूरी कर दे घाट, तुहाडे हर घाटे हर जड़े तड़िया कमियां उन्हों पूरियां करूगा, काटे रे नराइया, ओ सुते पो जाग, ओ जागो कदों जागना जो जदों सारा समा हथों लंघ गया, क्योंकि एदे सदी चौंद भी कहती आ, ओए भगतो जे हुण ए तुहाडे हथों निकल गया, कंधा ना टकरा मार मार के रोगे, इन्हें हाथ नहीं आना, किसी ने तुहाड़ी बात नहीं पूछनी, फिर तुही की करना, कंधा ना टकरा मार मार के आसमान दे विच इन्हां सूरज चंदा तारियां नू पूछना, टकरा मार मार के, ओ किते वेख्या जो साडा माहिया, साडे माही महबूब नू किते वेख्या, पर हुण इहदे आउण तों पहलों जिन्हें पुरातन ग्रंथ आ, चाहे कुरान आ, चाहे जो भी आ, उन्होंने ये आने का पता दसिया, सानू ये आने का पता दसिया, सूरज चंदा तारा ने भी दसिया, क्योंकि शहनशाह जी ने दसिया कुरान चाहता कि उस उन्होंने एक सीधी लाइन के सूरज चंदा और जेड़े और धरती होगी, इन्होंने ये आने का पता दसिया, पर हुण सुते प्यो जाग, हुण ये मौका, ये जिहड़ी सुलखणी घड़ी आ, ये बाद च नहीं लभनी, सुते पो जाग, नेत्र अख खुलाई आ, सतगुर द्वारे सच्चा एक समाज, ये परमेश्वर का द्वारा आ और सच्चा एक समाज आ, तुसी सारे सज्जे हो, एक सच्चा समाज उन्हें बनाया, सच्चा समाज लग्या होया, झूठ झूठ कम किसी ने आई है, इतने कोई झूठ झूठ कम नहीं आना, फिर आंदा कि शहनशाह जी ने इन्ना तरस किया, तुहाडे ते इन्ना सुहावा दिवस दिता तुहानू, और ये जो दो दिन खास दिते आ, 17 हाड़ 26 पौ, इन्हां दी बहुत महानता बाणियां दे विच दिती आ कि इस रात्रि नू एक व्यार सुनना, किन्ने प्रभु ने माण दिते आ, कई बार कई जन्मां दीआं भगतियां तो वध, ते मेरी यही तुहाडे अगे बेनती आ जाण लग्या, और शहनशाह जी दे चरणा च कि मैं एक दुनियावी इंसान आ, जे कोई अल्फाज वध घट निकल गया तो माफ करना, ये बेनती शहनशाह जी दे चरणा च आ, ते तुहाडे सारे अगे एक बेनती आ, ए जो प्रभु ए जो जिवें 17 हाड़ कह रहा सी कि मौका तुहाडे हाथ लग गया मुफ्त, इनू ना गवाओ, तो जिवें बाणी ने कहा ओ सुते पो जाग, जाग पो हुण, और फिर उन्हें कहा कि सारे विषय भुला दो, एक ते विश्वास रखो, और वाकया ही
ਜਦੋਂ ਹਰਭਗਤ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਟ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆ ਇੱਕ ਅਕਾਲਣ ਆ ਇਹ ਆਤਮਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀਆਂ ਆ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਨਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਰਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰਸਨਾ ਛੁਹਾਰੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਗਨ ਵੀ ਮਨਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਰਹੀਏ ਇਸ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲਣ ਬਣੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਇਸ਼ਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਨਾ ਦਿਓ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਹੀ ਸੱਤ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਰਹਿਮਤ ਮੰਗੋਗੇ ਤਰਸ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਤੱਕੜੀ 'ਤੇ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਹੰਗ ਮਾਰਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ ਸੋ ਹੰਗ ਮਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ ਸੋ ਹੰਗ ਮਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ ਸੋ ਹੰਗ ਮਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਦੁਬਦਾ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਗਏ ਨਾ ਮਾਇਆ ਮਿਲੀ ਨਾ ਰਾਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਮ ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ 994 ਯੁੱਗ ਚੌਕੜੀ ਬਾਅਦ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਕਰਦਾ ਦਾਸ ਨੇ 14 ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਵੀਰ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਿਆ ਨਿਰਗੁਣ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਦਾ 38.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ ਆ ਦਾਸ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸਿਫਰਾ ਨਿਰਗੁਣ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਿਫਰੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਕਲਦਾ ਸਿਫਰੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਨਿਕਲਦਾ ਸਿਫਰੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਖੇਡ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਿਫਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਿਫਰਾ 994 ਯੁੱਗ ਚੌਕੜੀ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਫਰਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਨਿਕਲਦਾ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਝੰਝਟ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਬਧਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ
जिले के गुरसिख भाइया लक्ष्मण सिंह बहुत संगत उन्होंने जानती है पिछे जे वो सचखंड चले गए सतगुरु के चरणों में सच्चे पातशाह जी के समय ये कुछ विद्वाना ने गल चलाई कि हजूर शहनशाह जी तुसी बाणी लिखा रहे हो इस बाणी नूं पढ़िया भी जाना चाहिए सच्चे पिता जी क्या बहुत खुशी वाली गल पढ़िया करो जरूर पढ़ना चाहिए पढ़ो भी तो विचारो भी अमल भी करो हुण पढ़े लिखे तो पढ़ लैणगे अनपढ़ की करेगा भाइया कोरा अनपढ़ उन्हें कहा सच्चे पातशाह मैं दसो की करूँगा मैं तो अनपढ़ हाँ बाणी नहीं पढ़ सकता सच्चे पातशाह जी कहिंदे तू दस सानू की समझदा की मानदा वो कहिंदा जी अकाल पुरख कहिंदे फिर तैनू पढ़न दी लोड़ नहीं कोई है निर्गुण सरगुण दा इहदे वेरवा सो इन्हां गल्लां तों उपर उठना पएगा बाणी कहिंदी है जिन्ना चिर तुसी हिंदू हो जिन्ना चिर तुसी मुसलमान हो जिन्ना चिर तुसी ईसाई हो जिन्ना चिर सिख हो किसी भी मजहब नालों तुसी प्रभु नूं नहीं मिल सकते तुहानूं दीना मजहबां तों उपर उठना पएगा असीं जातां पातां 'च फसे हाँ दीना मजहबां दी गल उस तों बाद आउंदी है जातां पातां तों उठना पएगा अमीरी गरीबी तों उठना पएगा धर्मां तों उपर उठना पएगा तो एक भगत बनना पएगा भगत आत्मा ही भगवान नूं मिल सकती है मैनूं बहुते घुमा के गल करन दा मैं आदि नहीं टू दी पॉइंट जे किसी नूं चंगी ना लगी वे दास अपने शब्द वापस भी लै सकदा सो टाइम ते भैण जी दा मैं बेनती करांगा भैण जी स्टेज ते आ जां उन्हां दी वेट कर रहा दास ते दा लगन डिया मेरा हाँ जी सो दास की बेनती है उस लिखत दे विच पहली विसाख की लिखत है 220 बिक्रमी है 14 नंबर ग्रंथ है पढ़ लियो 20-22 पेज की लिखत है उहदे विच हजूर ने कोई ओला नहीं छड्डिया पहली बार हजूर शहनशाह जी ने संघासन उस गेट दे विच जिस गेट की वड्याई वीर कृष्ण सिंह ने दसी कि चढ़ाई उन्नी रखी आ जिन्ना कृष्ण भगवान के जलों चरण में तीर लगा सी ते खून की लंबी धार सी उन्ने फुट रखी है उस गेट के हजूर शहनशाह जी का सिंघासन लगा सी पहली बार और उस सिंघासन की लिखत इस सिंघासन की लिखत अंदरले सिंघासन की लिखत तिना सिंघासन का वेरवा आता बाणी नूं पढ़ो तो विचारो जे आपां कहे 24 ग्रंथ पढ़ लै मैं 2-24 पढ़ लै कोई फायदा नहीं पढ़ पढ़ गड्डियां लदन वाली गल है खात भर लो ये नाल नहीं जानी तो जे गल जानी नाल तो भरोसे के विश्वास से जानी भाई लक्ष्मण सिंह वाली सो उहदे विच ये भी दस्या जे तुसी मैनू बाहरों वेखो तो मैनू वेख के तुसी भुल जाओ भी ये जट है जे मेरे अंदर वेखो तो पुरख समर्थ है तो आपां वास्ते अंदर भी हो तो बाहर भी हो अंतर ही कोई नहीं आपां इस भरम च ही नहीं पैना अंदर की है तो बाहर की आपां जान नहीं सकते भगत की जानता भगवान बारे गुरु अवतार पैगंबर नहीं जान सके जिन्नी सोझी किसी नूं दित्ती परमात्मा ने भेजा मातलोक विच उन्ना उन्ना उन्होंने बयान किया उस तों बाद बेअंत 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 कह के हथ जोड़ दते गुरु नानक साहब का वेरवा उस बाणी च आउंदा गुरु ग्रंथ साहब च एक शब्द है दान महिंडा तली खाक मिल मस्तक लाइए अज ती कोई भाई कोई विद्वान टीकाकार उहदा अर्थ नहीं कर सकिया हजूर शहनशाह जी ने बाणी इस बाणी च उहदा व्याख्या की है कि जदों साहिब सतगुरु नानक देव जी सचखंड गए उन्होंने उत्थे की देखिया प्रभु दे अकाल पुरख दे चरणां विचों उपर देखिया थोड़ा जिहा अगे कुछ नज़र नहीं आया फिर रहमत मंगी फिर कुछ नूर नज़र आया फिर उत्थे अकाल पुरख ने सज्जे हाथ नूं खब्बे हाथ ते रख के तली रगड़ी सवरती मैल उतारी वह प्रसाद लैके साहिब सतगुरु नानक देव सचखंड चों मात लोक विच आए वह उन्हां मस्तक नूं लाई तो उन्हां दे कवाड़ खुल गए ये निर्गुण सरगुण की गल है आओ इस पासे सो दास क्षमा चाहुंदा भैण जी आ गए ने आओ भैन जी
मैं वध घट बोलिया भी माफ़ी चाहना। सो बाणी पढ़िया करो, बाणी नूं विचारिया करो, जिथे अटकीए भाजी हाजर ने, भैन जी हाजर ने, गुरसेवक हाजर है, तो जे नहीं तो टुटा फुटा दास नूं पुछ सकदे हो। जरूर विचार करना चाहिए बाणी ते। सो हुण भैन जी 9 बजे तक, 9 बजे वीर जी आउणगे ते 12:15 समाप्ति है। जिहड़े वीर अंदरां च बैठे आ सेवादार जाण, उन्हां नूं उठा के लाओ। जे कोई बाहर फिरदा सिक्योरिटी आने की ड्यूटी है कि वह अपनी ड्यूटियां ते आ जाण। फोन सारे वाइब्रेशन दे ला लो या बंद कर लो। जे किसी नूं अर्जेंट है बाहर जाके फोन सुन सकदा।